के दिन बिल्कुल ये सच बात है कि लाइट टिक नहीं रही थी लोड की वजह से, घड़ी घड़ी लाइट जा रही थी और मिल्लत नगर का डीपी नंबर 82 फेल हो चुका था, 569 फेल हो चुका था, जिसको बदलने के लिए हमने फौरी कांटेक्ट किया और 15 नंबर डीपी एक वार्ड नंबर 12 का था उसका, तो गफ्फार भाई, हम राहिम भाई, मसूद सेठ, सत्तार सेठ, सभी लोगों ने हमने मिलकर उसमें नुमाइंदगी की। 15 नंबर का डीपी रात में डाला गया, रात के रात पानी बहुत जोर से था, काम रुका हुआ था, सुबह में वो डीपी डबल फेल हो गया, दूसरे दिन और फिर दूसरा डीपी नया डाला गया। उसी तरह बीएससी नंबर का भी एक डीपी फौरी तौर पर डाला गया, फिर वो टिक नहीं पाया, वो भी जल गया, फिर उसका नया डीपी डालने के लिए थोड़ा सा एक 10-12 घंटे लगे, और नया डीपी फिर और डबल से डाला गया। 569 का डीपी का ऐसा मसला था कि वहां पर जाने के लिए रास्ते की मतलब रास्ता वगैरह खोद दिया गया था ड्रेनेज की वजह से, जिसकी वजह से वहां पर क्रेन वगैरह नहीं जा रहा था, लेकिन महले वाले बच्चों ने वगैरह वो खड्डे वगैरह बुझा कर देने के बाद नया डीपी फौरी रात में दिया गया, दूसरे दिन रात में, और दूसरे दिन रात में 3 बजे तक ठहर कर वहां पर डीपी की तनसीब अमल में आई, जो कि नया डीपी था। ये तो मतलब उस वक्त हम लोगों को जो सहूलत पहुंचाने के लिए हमने कोशिश की, लेकिन इसके दूसरे दिन रहीम भाई, मैं, गफ्फार सेठ, मसूद सेठ, सत्तार सेठ को मिलकर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से नुमाइंदगी किए और जो ये प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हमने उनको कुछ गाइडलाइन बताया कि जो 4 फीडर है वो फीडर को उसको तकसीम करके 8 फीडर किए जाए, ताकि वो 8 फीडर के इसमें लोड टिक पाए, और वो काम इंशाल्लाह आरडीएसएस स्कीम के अंदर शुरू होने जा रहा है, वो स्कीम के अंदर समाविष्ट है। दूसरा, फौरी तौर पर 5 डीपी मंजूर किए गए और वो 5 डीपी भी इंशाल्लाह वो काम जो लोडेड डीपी है, जो ज्यादा प्रॉब्लम हो रहे हैं, उन डीपी के पर एक्स्ट्रा 5 डीपी मंजूर हुए वाले, वो भी डीपी डाल दिए जाएंगे। मैं बता रहा हूँ ना, जो लोडेड डीपी है, जैसा 82 नंबर मिल्लत नगर का है, उसके अलावा ड्रेनेज के सामने का जो एरिया है वहाँ पर एक है, फिर मोहम्मदिया कॉलोनी के अंदर उस एरिया का भी प्रॉब्लम है 74 को, तो वो लोडेड डीपी है, वहाँ पर एक डीपी है, फिर उसके अलावा और दीगर जहाँ पर भी लोडेड डीपी है वहाँ पर वो डीपी डाली जाएगी। 12 नंबर में 92 नंबर की डीपी है, प्रभाग नंबर 12 में, वहाँ पर एक डीपी डाली जाएगी। इस तरह 5 डीपी हम फौरी तौर पर मंजूर कर सकते हैं। डीपी जो फेल हो रहे हैं लोडेड, उसकी वजह से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। रही बात जो लाइट फीडर दिख नहीं रहे, वो फीडर के लिए हमने मतलब निवेदन दिया है, वो आरडीएसएस स्कीम के अंदर फीडर का काम होगा, लेकिन उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बरसात में 1-2 महीने के अंदर वो काम इंशाल्लाह तक मिल पाएगा।